सब्सक्राइब कीजिए इंडिया न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले पाने के लिए। तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री और दिव्यंगत डीएमके नेता एम करुणानिधि के पार्थिव शरीर को मरीना बीच पर दफनाया जाएगा या नहीं, मद्रास हाई कोर्ट में इस पर सुनवाई चल रही है। इस मसले पर मंगलवार रात हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के घर पर सुनवाई शुरू हुई थी, जिसे सुबह तक के लिए स्थगित कर दिया गया था। अदालत ने राज्य सरकार से इस पर जवाब मांगा है। डीएमके चाहती है कि उनके नेता के शव को मरीना बीच पर जगह मिले, जहां तमिलनाडु की राजनीति के दिग्गजों के शवों को दफनाया गया था, लेकिन प्रदेश की AIADMK सरकार ने इसकी अनुमति नहीं दी। डीएमके इसके खिलाफ हाईकोर्ट चली गई और देर रात ही इस मसले पर अदालत बैठी। अदालत ने सरकार को सुबह 8 बजे तक जवाब दाखिल करने का समय दिया है। 28 जुलाई की रात से अस्पताल में भर्ती करुणानिधि का मंगलवार शाम 6:10 पर निधन हो गया। वो 94 साल के थे। उनका पार्थिव शरीर उनके निवास स्थान गोपालपुरम ले जाया गया है। आज लोगों के दर्शन के लिए उनके शव को राजाजी हॉल में रखा गया है। डीएमके के कार्यकारी अध्यक्ष एमके स्टालिन ने अपने पिता के नाम एक भावुक पत्र भी ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा, मैंने आपको पिता से ज्यादा एक नेता के तौर पर पुकारा है, अब एक बार मेरे नेता, क्या मैं आपको पिता बुला सकता हूँ। करुणानिधि का शव मरीना बीच पर दफनाने के खिलाफ याचिका दायर करने वाले वकील एक दुराईस्वामी ने अपनी याचिका वापस लेने का फैसला किया है। अगर आपको हमारी स्टोरी पसंद आई तो इसे लाइक करें और अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इंडिया ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।